कनाडा वीजा आफ्टर बायोमेट्रिक्स, ठीक है। आज आपके बायोमेट्रिक हो गए, जहाँ फिर रिफ्यूजल केसेस में क्या होता है कि बायोमेट्रिक आपकी जिस दिन एप्लीकेशन लगाते हैं उस टाइम अपडेट हो जाते हैं, चाहे वो विजिटर वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, स्टडी परमिट है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, सारी कैटेगरीज की बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जबकि आपकी फाइल है जो इनकेस आपकी फाइल है जो एम्बेसी में ऑलरेडी सबमिटेड है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टडी परमिट वालों की फाइल में। एज पर मेरा रिसेंट जो रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है, हम डेली लाइव भी आते हैं 3 PM, तो हमें पता चलता रहता है कि टाइमलाइन क्या है। डेली 3 PM हम लाइव आते हैं। सो उसमें आप करंटली जो वीज़ा ट्रेंड चल रहा है, जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, आपके जिस दिन बायोमेट्रिक हो गए उस दिन के बाद एक महीने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। एक पूरा महीना आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। उसके बाद आपको आपके उसके अराउंड है जो वीज़ा आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो करंटली एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं स्टडी परमिट की, वो उनके बायोमेट्रिक्स हुए थे 28, 29, 30 दिसंबर को, ठीक है। 1 जनवरी के जिनके बायोमेट्रिक हुए थे, या 2 जनवरी के, उनकी यूनिक एप्लीकेशंस हैं जिनके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, बट बर के रिजल्ट्स 28, 29, 30 दिसंबर को जो एप्लीकेशन सबमिट हुई थी उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए। सबसे पहली ही बात मैं आपको बोल दूँ कि इसका कोई पक्का टाइम है ही नहीं, ठीक है। कोई एप्लीकेशन का तो रिजल्ट हमें फ्रेश केसेस का रिजल्ट हमें 25-20 दिन में देखने को मिल रहा है, और कोई जो रिफ्यूजल केसेस हैं उनका रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहा है 2-2, 3-3 महीने में, ठीक है जी। विजिटर वीज़ा की बात करूं, बट आपको ये चीज़ एक बात बता दूं कि ये टाइम है जो डिक्रीज होगा। विजिटर वीज़ा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल्स में जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम में आ जाएंगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टडी परमिट की फाइल अभी तक कोई न्यू लग नहीं रही है टिल 31 मार्च, जब तक कि अटेस्टेशन लेटर मिलने चालू नहीं हो जाते, तब तक आपको पता है कि बहुत ही एप्लीकेशन अब कम हो चुकी हैं लगना, राइट। तो उनके पास क्वांटिटी एप्लीकेशन की बहुत कम है, दैट इज़ वाई जो एप्लीकेशन जो पेंडिंग बचेगी वो कौन सी बचेगी, विजिटर वीज़ा वाली या स्पाउस वीज़ा वाली, ठीक है। तो उन पे प्रायोरिटी आएगी, उनके वीज़ास बहुत जल्दी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप सभी लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद स्पाउस वीज़ा वालों के लिए बात करूँगा मैं। स्पाउस वीज़ा वालों को 3-3 महीने तक कोई अपडेट नहीं मिल रही एप्लीकेशन में, ठीक है जी। कोई यूनिक एप्लीकेशन होगी, कोई बहुत ही लकी बंदा होगा जिसका स्पाउस वीज़ा आपको 2 महीने में देखने को मिल जाए, ठीक है जी। 3-3 महीने तक, इवन 3.5 महीने भी हो जाते हैं आपको, अगर आपका आपका अपफ्रंट मेडिकल है तो सीधा वीज़ा आएगा। आपसे अपडेटेड कोई डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, फॉर एग्जांपल फुल टाइम एनरोलमेंट आपके स्पाउस का, या कोई और डॉक्यूमेंट, या बैंकिंग की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं। बट मेन चीज़ है कि आपको 3.5 महीने बाद आपका वीज़ा प्राप्त हो सकता है स्पाउस वीज़ा का। 3.5 महीने बाद ही अगर आपने अपफ्रंट मेडिकल नहीं लगाया तो मेडिकल रिक्वेस्ट आपको आ सकती है। स्पाउस वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया, करंटली देखा जाए इनकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है, स्टडी वीज़ा वालों की प्रायोरिटी है। बर की रिजल्ट किसके मिल रहे हैं, स्टडी परमिट वालों के। ये स्टडी परमिट वाली फाइल्स है जो अगले आने 2 वीक में ख़त्म होने ही वाली है, ठीक है जी, ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आपको पता है कि वैसे ही फाइल्स बहुत कम होगी स्टडी परमिट की। उसके बाद 22 जनवरी के बाद तो कोई न्यू फाइल अब लग ही नहीं रही। सो मेन चीज़ है कि आपने वेट करना है, जो वीज़ा है आपका सून आने स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर बायोमेट्रिक। आपको मैंने सारी डेडलाइंस है जो बता दी बिना टाइम वेस्ट किए। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी देन लाइक दिस वीडियो, एंड आल्सो अपने सभी ने अपनी टाइमलाइन है जो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी ही लिखनी है। ये आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको जब भी हम न्यू वीडियो डालें या लाइव हो आपको बेल वाला वो दबा देना, उस पर आपको रेगुलरली पता चलता रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल।